बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने व्यूज़ को सलाम करती हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फ्रूट पड़ा है। यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी फ्रूट चाट। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सामने हैं, इसमें ग्रेप्स आएंगे, ये मेडिटेरेनियन ग्रेप्स हैं। तो ये बहुत ही मीठे होते हैं, जैसे मनक्का होता है, आई थिंक मनक्का बनता है इनका। तो ये ना बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा आई थिंक लंदन में ना ऑल द टाइम आप इनको फाइंड कर सकते हैं सुपरमार्केट से। और स्ट्रॉबेरीज भी आजकल इन हैं, तो स्ट्रॉबेरीज भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी। फिर यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज काट के रख ली हैं, एक अनार डाला है मैंने इसमें, ये पीच है और पाइनएप्पल मैंने काटा है। तो अगेन आपने जितना डालना है, एक एक कप है यहाँ पे, तो आपने जितना डालना है आप वो डाल लें। और ये एप्पल है, एप्पल को मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ना इसमें ऑरेंज जूस डाल के रखा हुआ है। और ये तीन अदर बनाना है इनका, मैंने ना ये स्मूदी बना ली है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा सब कुछ इसके अंदर जाएगा और फन पार्ट बताऊँगी अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने एप्पल काटा है, एक दो अदर एप्पल काटे हैं। और इसमें ना मैं ऑरेंज जूस डाल दूँगी ताकि ये ब्लैक ना हो, इससे ना फिर ये टेस्ट भी अच्छा आता है। आप ऑरेंज जूस डाल दें तो ये सब कुछ चाट में जाएगा, इससे ना ये कलर चेंज नहीं होगा इनका, एप्पल का ना ऐसे ये रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप हला दें ऐसे करके, देखिए ये ऑलरेडी ब्लैक होने शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल देंगे इसके ऊपर, तो ब्लैक नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, अब ये मैं अब इनको मिक्स कर रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी देखेंगे आप कितनी प्यारी खूबसूरत सात रंग की ये बड़ी ही खूबसूरत चाट बन गई है। तो ये बहुत ही हेल्दी है, आप लंच पे भी ये इसको ले जा सकते हैं ऐसे बना के। तो ये ना मेरे बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कुछ लोग क्रीम डालते हैं इसके अंदर, लेकिन क्रीम जो होती है ना वो फैटनिंग होती है बहुत ज़्यादा, आपके लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आप 1 या 2 पाउंड आप गेन कर लेंगे कि क्रीम डाल के। कुछ लोग कंडेंस मिल्क भी डाल लेते हैं, लेकिन अगेन ये हेल्दी वर्जन है आपका, बहुत ही मज़े की ये 7 कलर्स की ना फ्रूट चाट तैयार हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुझे बताया फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगा है। तो आप और ये बताइएगा कि मुझे आप लोग किस तरह से फ्रूट चाट बनाते हैं। तो मैंने इस तरह से आज फ्रूट चाट बनाई है अपनी इफ्तारी के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियोस पसंद करे हैं, लाइक करे हैं आप लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।